ओ ये किधर लेके जा रहा है? ओ ये किधर लेके जा रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रो? व्हाट इज दिस केव? अब मनु ना ले जा तू केव छो, तेरा भला हो जे। अच्छा वाला एंजॉय करे। ओके अच्छा वाला एंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा वाला वो वाला अच्छा ना वाला ना करे। जी अस्सलाम वालेकुम। सारा होटल जो है वो सो रहा है, हम लोग सिर्फ उठे हुए हैं। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप व्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आपका भाई है इस टाइम थाईलैंड फुकैट में अपने भाई के होटल ज़ुल्करनैन और कंवल के होटल में हैं। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेली कोई ना कोई नया फ़न होता है, आज भी नया नकोर फ़न है। और गेस्ट बता रही है कि जी 6 बज रहे हैं, 6 बजे उठ चुके हैं और रेडी भी हो गए हैं, कि इसका मतलब है कि 5:15 बजे उठे थे रेडी शेडी होके, कपड़े शपड़े चेंज करके नोने मोने बन गए, क्योंकि बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह जा रहा है भाई, जो कि मैंने व्लॉग में भी देखी हुई थी, उसके अलावा इंटरनेट पर भी देखी थी और काफ़ी मुझे उसकी रिकमेंडेशन भी आई थी कि भाई जान यहाँ ज़रूर जाना, यहाँ ज़रूर जाना। अभी नहीं बताऊँगा, गाड़ी में बैठ के बताऊँगा। बस कमर उतर रही है और अब रात रेडी हो रहा है, निकलते हैं और आपको भी बताते हैं। और उससे पहले आपको ये बता दें कि हम लोग के रजब फैमिली एक अहद के तहत चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि 11 मार्च से पहले हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि 11 मार्च को हमारे चैनल को बने हुए पूरा 1 साल हो जाएगा ब्रो। और एक और एक्साइटिंग न्यूज है जो मैं आपको वापस आके बताऊंगा। फिलहाल कमल का और अबरार का वेट करते हैं, जैसे ही वो लोग आते हैं तो निकलते हैं। हमारी जो बस है, हमारी जो गाड़ी है वो आने वाली होगी जो हमें पिक करेगी, क्योंकि हमने जहाँ जाना है वहाँ अपनी स्कूटी पे या अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते। वहाँ पर एक ट्रैवलर बस आती है जो आपको पिक करती है, खाना खिलाती है और आपको सारा कुछ उस रास्ते का दिखा के रात को इसी होटल में आपको वापस छोड़ देगी। आइए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, आज हम वाकई मॉर्निंग के टाइम उठे, वरना तो हमने उठाया यार, उठते गए ना सारे, वरना तो हम दोपहर के टाइम ही उठ रहे थे यार। थोड़ा बहुत क्रेडिट लेने से हम नहीं उठाए। हाँ ओए ओए ओए, सबसे पहले मेरा काका उठता है, सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम काका, तो अभी उठा है भजन। क्या प्लान है? नहीं बताना अभी, हमने नहीं बताना, क्योंकि अगर कल की तरह 3-3 प्लान आज भी कैंसिल हो गए तो बहुत बोर हो जाएंगे। पहुंच के या गाड़ी में बैठ के फिर बताएंगे। और हमारे जो भाई हैं ड्राइवर भाई, वो भी आ चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है, गाड़ी वेट कर रही है हमारी। साहब आ जाओ, सेम शर्ट ब्रो, वेलकम ब्रो। अच्छा जी, हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, निकलते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं किसी न किसी ठिकाने पे, जब आपको कोई शक शुबा नहीं रहेगा कि हाँ भाई आज प्लान कैंसिल नहीं होंगे, जैसे कल 3-3 प्लान कैंसिल हुए थे, तो फिर आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अगर पहुंच गए हैरो ऑफिस जिंदगी रही इंशाल्लाह तो आपको दिखाएंगे भी सारा कुछ, नज़ारे भी करवाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ओके जी, गाड़ी हमारी जो है वो आ चुकी है। अच्छा जी, ये मैंने टावल 2 पकड़ लिए हैं, एक अपने लिए और एक अबरार के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए लिए हैं। और ये वाली गाड़ी इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर और भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर जाना होगा। चलो जी, माशाल्लाह। चलो जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं, सारी गाड़ी निकल चुकी है, अब हम लोग सिर्फ रह गए थे एंड पे। और पूरे 1 घंटे की ड्राइव करके अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे, जब यहाँ हाँ तो नहीं पता रहा ब्रो। अच्छा, सामने ये कुछ समुंदर टाइप सा है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसका मुझे पता, जैसे ही हम बैठते हैं अपनी अगली सवारी पे आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। भाई मेरे ख्याल है यहाँ पर कुछ साइन उठे करने हैं, नाम शाम लिखने हैं, जैसे ये सारे लिख रहे हैं तो वो करके निकलते हैं। नाम शाम लिखवा के तो ये हाथ पे आपने ये बंधवानी है जो ये बांध रहा है। चल भाई, ध्यान ना ले, गैस ना खराब करी, ध्यान ना ले। ओके, थोड़ी देर जो हमने वेट करना है उसमें हमें मिलती है ये रिफ्रेशमेंट, और मैं तो पीऊँगा एक फ्रेश जूस। भाई ने पी है ब्लैक कॉफ़ी,
जबकि ब्लैक कॉफी से इसका काम तो कोई नहीं है यार, जूस डाल दे ब्रो प्लीज, वन जूस एंड वन दिस कुकी। खुली रहने दे, खुली रहने दे बीबी, मेहरबानी शुक्रिया, खुली रहने दे। अच्छा बीबी नहीं बाबा ही, क्या बीबी है, मैंने कपड़े बीबिया ने पाए एकदम नाइस। ले आ गई जूस, चलो ये। अच्छा जी, अब ये जो है ना बता रही है हमें जहाँ जहाँ जाना है, और उसके बाद ये भी बता रही है किस किस चीज़ से आपने परहेज करना है। अच्छा अब वो गाइड कर रही है, तो सारे कितने तमीज से खड़े होके सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं जैसे उनकी क्लास चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग अंग्रेज हैं, क्योंकि ये लोग गोरे हैं, ठीक है। यहाँ पर होते हैं अगर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी होता उसने क्या कहना था, उसने सुना था ऐसे, चल बकवास कर, चल चल चल, ठीक है। और ये सारे ऐसे तमीज से सुन रहे हैं जैसे इनकी चल चल नहीं कर रहे, जैसे इनकी क्लास चल रही है। ओके जी, तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी आपको बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अबरार साहब कहाँ जा रहे हैं? मेरे को नहीं पता यार, तू अड्डा आवाजार क्यों है यार, अजीब तू आवाजार। प्रो मैक्स 7 बजे उठा के लाया और 4 बजे में यार उठा के क्या लाया, हम भी तेरे साथ ही उठे हैं, तू 4 बजे सोया मैं 5 बजे सोया हूँ, मेरी मेहनत ज्यादा थी, मैंने एडिटिंग करनी थी। हम लोग जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। Yeah, we are going to Thus Thus Island। ये वो था ना, वो जो मूवी है ना जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये वहाँ शूट हुई थी, इसका नाम जेम्स जी। We are going to James Bond 007 Island, और मैंने बहुत तारीफ सुनी है, और मैं यही काम दूसरा सोच के आया था। वहाँ पे मुझे बट ने, हैदर ने, सब ने कहा था जिन्होंने व्लॉग वगैरह फॉलो किए हुए थे कि भाई वहाँ जरूर जाना, वहाँ पर 3-4 चीजें हैं करने को, 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर यही जो टूर गाइड है आपको रोकेंगे। देख रहे हो पूरे का पूरा काफिला जा रहा है, नंगपुणे का काफिला जा रहा है नंगपुणे का काफिला, यार मेरी रोस्टिंग क्यों नहीं बंद होती। खैर अच्छा जी, सारे के सारे जा रहे हैं, सबको अलग अलग बैंड मिले हैं, हमारे बैंड का कलर है ब्लू एंड व्हाइट, कुछ है रेड एंड येलो, कुछ इस तरह करके ना 3 पार्टी जो उन्होंने बनाई है उसके अंदर, वो क्रैकिंग 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 आई डोंट नो ब्रो, ये 7-8 दिन हो गए हैं और ये पूरा जो है ना गेज बन गया, असी नहीं बन पा रहे। क्रैकिंग है और भी काफी चीजें हैं साथ साथ। बोल रही थी ना जब वो समझा रही थी, हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। और यार चुप कर जा, मैं क्या है? ऐसे पाकिस्तानी होता है, कोई एशियन होता ना, और कहना चाहिए बकवास कर रही है, गोरे कितनी तमीज से सुन रहे हैं, इसलिए हमने नहीं सुना, हमें नहीं पता कि क्या क्या है, लेकिन ये पता है कि 3-4 चीजें हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते रहेंगे। ये एंट्रेंस है जी, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक लड़की, एक अदद बच्ची जो कि जान जान के क्यूट बनती है, देखना जरा अभी, ठीक है ना, अभी इसको छेड़ूंगा ना कैमरा से, देख लिया आप देखना। हेलो 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 हेलो, देखो ये देखो कैमरा देख लिया, साथ ही स्माइल दे देगी, साथ ही स्माइल दे देगी, दोबारा दोबारा। ये देखो भाई, ये देखो देखो देखो, क्यों आहिस्ता? अच्छा कमल को बहुत हाइड्रेशन होती है, रज्जब और दुलकर ना तुम दोनों बहुत ऊंचा बोलते हो भाई, ये नहीं समझ सकती है ब्रो, ये नहीं समझ सकती डेली, ये नहीं समझ सकते तुम, बस तभी तो बोल रहे हैं, इन्हें कड़ी समझ आनी। यार स्पीड बोर्ड है यार, नहीं फ्रॉड, ये देख भाई ये इधर है, इधर है यार, अबरार तू तपिया ही रहना हर वेले, ये देख ये है स्पीड बोर्ड मिलेगी यार तुझे, वहां से चल के जाना है, ये रही जी स्पीड बोर्ड, अभी इस स्पीड बोर्ड में बैठ के मैं कैंसिल, मैं वापस चल रहा था, समझ ना ना ना, गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर, स्पीड बोर्ड में बैठ के जहाँ जहाँ पर जाना है हमें वो लेकर जाएगा। चलो चलो, अच्छा अब ये कलर डिफाइन कर रहा है, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट, एक्सक्यूज मी, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट, वेयर ब्लू एंड व्हाइट, दिस वन, ओके ब्लू एंड व्हाइट एंड दिस वन एंड बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तेरा पलाओगी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ओए यहाँ पर पानी गंदा है, यहाँ से तो रावी लग रहा है, लेकिन आगे आगे पानी साफ होता जाएगा, समुंदर है ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाईजान ये पूरा का पूरा जो है ना वो पहाड़ ही बना हुआ है, मेरे अल्लाह की कुदरत है, चेक करो, समुंदर के अंदर, समुंदर के बीचों बीच
पूरा का पूरा पहाड़ है और वो आगे करके एक छोटा सा आइलैंड भी है जहाँ आप उतर सकते हैं, आप टिंडो पार्टियाँ वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मजेदार खत्म ही नहीं हो रहा यार ये तो, क्या बात। ये जी भाई ने हमें दे दिए हैं हेलमेट, आपको यहाँ पर उतारने लगे हैं, अब आप लोगों ने यहाँ पर लेबर करनी है, ठीक है, लेबर करनी है आपने, आपने ये सारी पहाड़ों में लुक डालनी है, ठीक है, और आपका जो ठेकेदार है वो दुलकरना है, क्योंकि ये बड़ा है, ये पहले आया हुआ है, इसको काम का एक्सपीरियंस है। खैर अभी ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, उतरना है यहाँ पे हमने, क्या कफील है, कफील उन्हें उतर पता नहीं ना कफील दस तो योगा हो रहा है ना। अच्छा क्या सीन है अभी यहाँ पर, क्या करना है, केव में जाना, गार में जाना, गार में यार कहाँ जाना है यार, इसका नाम है आइसक्रीम केव, आइसक्रीम केव मतलब यहाँ ना जमीन पे कीचड़ ही कीचड़ होगा, ऊपर सर पे ना पत्थर लगने के खदशात होते हैं, ये है चिकट चीज करने जाना नहीं, आइसक्रीम केव में चिकट चिकट होता है, चिकट चीज करने जाना, ओ दे ओ दे वहाँ जा रही हूँ, ओ दे वहाँ जाना ना, ये देखो जी जहाँ पर ये आवाम जा रही है ना, जहाँ पर ये आवाम जा रही है यहाँ पर हमने भी जाना है। ओए ब्रो ये तो अंदर चल गए, चलते हैं हम भी चलते हैं। चलो जी चलिए, और ये थे हमारे शिप के ड्राइवर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू। साड़ी ना शिप का ड्राइवर है, मन लो किसी ना इंग्लिश मूवी वगैरह लग रहा है, एक मूवी है उसमें सेम इसी तरह के लंबे लंबे बाल है और वो ऐसा ही लगता है, बड़ी गंदी शिप चलाता है ब्रो। अरे चेक करो जी कैसे गोरे हैं असूल प्रस्त, लैना बना के जा रहे हैं, जा लेंगे सानू अंदर तक दस में, चेक कर यार खूबसूरत है यार, सुकून है, कुछ भी कहो सुकून तो है। ये है जी हमारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड का पहला स्टॉप, ओ ब्रो, और ये जो हेलमेट उन्होंने हमें पहना दिया ये इसलिए पहना है कि कुछ भी हो सकता है ऊपर से, अगर कोई पत्थर वगैरह आके आपके सर पे लगे तो आपको दर्द ना हो या आपको चोट ना लगे। हिली अल्लाह की कसम है कुड़ी हिली, मैं हिसाब ला लिया टुट गया ना, उन्होंने पैसे लेने तेरे को दस रहे हैं, हाथ है कि हथौड़ा, हथौड़ा हथौड़ा है, क्या है नाजुक हाथ, नाजुक हाथ लड़कियों के होते हैं, यू आर नॉट गर्ल एनी मोर, ओके, अब आप एक महिला हैं, एक शादीशुदा, एक क्यूट से बच्चे की महिला, नजर लगा दी तुमने तब से जब से आए हो, अच्छा अच्छा जी आए आए आए, थैंक यू, ए बाबा ये डर लग रहा है, तो नहीं डर लग रहा है, उतों आगे खड़ा हो गया मेरे, अरे केड़े मौत मौत दे पिंजरे च आ रहे हैं असी यार, ये तो आगे जाते कहता तंग होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे रास्ता तंग होता जा रहा है, यही तो एडवेंचर है, ये चंगा एडवेंचर है, वापस आ जाएंगे इसी एडवेंचर करते करते, हैं भाई वापस आ जाएंगे हम इस एडवेंचर से, वापस आ जाएंगे, तो आ जाएंगे उधर, उधर पानी मैं पीछे के हूं, उधर पानी है सब तो पहला तो हो जाए, अच्छा भाई जो डर पत्थर गिरने का सो है सो है, एक डर ये भी है कि आगे से पानी भी आ सकता है, ऐसे ही है, ये देखो पानी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे और आगे से पानी भी आ सकता है, एडवेंचर नहीं ला भाई मेरी गल मान, चलिए बात ठंडा पानी है, बड़ा मजे का पानी तो ठंडा है लेकिन ना अरे तो ये तो पानी ज्यादा होता जा रहा है, घुटनों तक आ गया पानी, घुटनों तक पानी आ गया है ब्रो, घुटनों तक पानी आ गया है, ऐसे पंगे बाजी है, मैं हिसाब लाया काम सही नहीं है, पहले पांव तक था अभी घुटनों तक पानी आ गया भाई, आगे जाते कहता चाहे नाक तक आ जाए, देखा अपने लापरवाही का नतीजा है, अरे भाई साहब यहाँ तो दिन ही चढ़ गया है भाई, जो मैंने आपको कहा था ना कि वो पहाड़ों के अंदर एक आइलैंड सा बना हुआ है, आई थिंक ये वही है, ओए होए 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 क्या बात है जबरदस्त, ये रही वो गार वो गुफा जहाँ से हम लोग निकल के बाहर आए हैं, तो आगे ये आ गया, आई थिंक पिक्चर स्पॉट है या आप बैठ के टीटो पार्टियां भी लगा सकते हो, ओए होए 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 क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, इस दीवार के पीछे अहाता टाइप जिरगा टाइप सा बना हुआ है, मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ, और ये पत्थर जो है जो पहाड़ है खतरनाक काला और बहुत ही बड़ा भाई बहुत ही बड़ा, आई डोंट नो कैमरे पे आप लोगों को कैसे नजर आ रहा है लेकिन मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो ये वो पत्थर आ गया और सामने ये एक चौराहा या जिरगा टाइप कुछ भी कह लो गोल दायरा सा बना हुआ है, पिक्चर स्पॉट है जस्ट पिक्चर स्पॉट, अच्छा आगे नहीं आप जा सकते, आगे सारा कीचड़ है ठीक है, और यहाँ यहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हो, चक्रो
ज्यादा ऊपर करता हूँ ना तो मेरा हेलमेट गिर जाता है। ये है जी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे ये सारा कुछ था, ये सारा एक आइलैंड टाइप पिक्चर स्पॉट ठीक है, और वो गुफा, ये था फर्स्ट स्पॉट। अब नेक्स्ट स्पॉट क्या है वो मुझे भी नहीं पता, चल के देखते हैं। चलो जी लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट, और वो क्या है मुझे भी नहीं पता। ओके जी सो दिस इज जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अब इसको जेम्स बॉन्ड आइलैंड क्यों कहते हैं, क्या इसकी स्टोरी है, ये सारी पता करते हैं पहले। लेकिन रश वावा भाई यहाँ पे कि ये जेम्स बॉन्ड ही तो नहीं खड़ा, देखते हैं चलते हैं। एक यहाँ पर वो पत्थर है जो बहुत मशहूर है जिसको जेम्स बॉन्ड का ही पत्थर कहा जाता है, मतलब उसकी तरह का, पता नहीं क्या उसकी क्या स्टोरी है, अभी वो भी पता करते हैं किसी से। दुल्कनान को शायद बताओ, आ जा। अच्छा जी ये लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ वाइल्ड मंकीज डू नॉट फीड मंकी, अगर आप मंकी को खिलाएंगे तो वो आपको खा जाएगा तो उनको मत खिलाएं। ओके जी तो ये है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अब इस पत्थर का क्या सीन है, इसको जेम्स बॉन्ड वाला आइलैंड और इतना स्पेसिफिकली क्यों सब यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, इसका सीन क्या है भाई, मेरी बात सुन, इसका क्या सीन है, ये क्यों इतना मशहूर है, क्यों हर बंदा यहीं पे आके पिक्चर ले रहा है इस पत्थर की, ये जो पहाड़ है बता ना, दस ना दस। वे हेलो हेलो दो भरा जी मेरा औखे ना उस समय लगी जाना वे दस तेन मरे दस यार तेन नहीं ना पता नहीं। असल में इस पत्थर की कहानी ये है कि इधर जेम्स बॉन्ड आया था ठीक है, ये उदय भाई का बच्चा था, उदय भाई दिल के बहुत अच्छे है, उदय भाई ने छड़ी मारी यार इधर वो जेम्स बॉन्ड मूवी है ना हाँ। भाई उसमें उसका एक सीन बहुत ही फेमस हुआ था ठीक है, और वो सीन फेमस होने के पीछे मुझे लगता है कि इस वाले छोटे से आइलैंड का मेन किरदार था। अच्छा लोगों ने ना वो मूवी देखी के बाद इसको ढूंढना शुरू किया इसलिए इतना फेमस है। मैंने मूवी नहीं देखी हुई अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसमें सिद्धू मूसेवाला नहीं था इसलिए मैंने नहीं देखी। बेचारा किसी मूवी में ही नहीं था यार ब्रो, कोई बात नहीं खैर। अच्छा जी तो इसलिए इसको जेम्स बॉन्ड आइलैंड कहा जाता है। अच्छा जी वो फेमस पत्थर देखने के बाद थोड़ा सा आगे आप आते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा फेस्टिवल ही कोई चल रहा है, पता नहीं क्या है। आए 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 जबरदस्त दुकानें हैं भाई, मुझे तो भूख लगी हुई है, कुछ खा लेते हैं। दुकानें शुकानें हैं, फिर जिन्होंने पिक्चर लेनी है वो पिक्चर ले रहे हैं, और जिन्होंने नहाना है वो नहा भी रहे हैं। हम लोग ना नहाएंगे, पिक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम कुछ खाएंगे। पजो 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 हमारी जो टूर वाली लड़की थी जो हमें यहाँ पर लेके आई है, बोट जो मैनेज कर रही है, उसने हमें टाइम दिया था 12:10 का कि 12:10 पे आपने बोट पे होना है, और गेस बता रही है कि ओहो ये तो पाकिस्तानी टाइम बता रही है, हमें 12:15 हो गए हैं तो चलते हैं वापस, क्योंकि इन्होंने हर आइलैंड का हर स्पॉट का टाइम फिक्स किया होता है कि आप 15-20 या 25 यहाँ रहेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्पॉट पे, क्योंकि 4:15 आइलैंड के टाइम के मुताबिक इन्होंने हमें वापस ड्रॉप भी करना है। ओके जी तो हम पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस What's the name? Me? Huh? Abu. Oh, yeah. Sorry, no shoes. Kenda Abu. Kada Abu. Mega, what's the name? Kenda Abu. अच्छा जी इस जगह का नाम है मुस्लिम विलेज है, और इसकी स्टोरी हम दुल्कनान से पूछते हैं। इतना मुझे पता है कि ये सारा बैम्बूज के ऊपर, वो देख रहे हो बैम्बूज के ऊपर पूरा बना हुआ, यही है सिर्फ इतना सा ही है। यहाँ पर हम लंच भी करेंगे, और उसके अलावा एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे विलेज में पूरा जो इराई है छोटा सा इस पूरे आइलैंड पे शराब अलाउड नहीं है। ये देखे जी ये इन बैम्बूज के ऊपर पूरा का पूरा विलेज है जिसका नाम है मुस्लिम विलेज। अरे शुक्र है रोटी नजर आई, वाह जी वाह, थैंक यू। लेकिन मैं रोटी खावांगा, भूखे लगा हुआ पूरा, ये गोरे पूरा टूट पे ने बाबा, गोरे तो जगह ही नहीं देंगे। ये अच्छा सैलड चिकन आए 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 आए, और अच्छी बात एक और भी है कि स्मेल नहीं आ रही ब्रो, स्मेल नहीं आ रही। चावल सैलड ये आई थिंक प्रॉन्स है, ठीक है देखते हैं क्या खाना, क्या खाना ब्रो, तो लाइन खत्म होती है फिर देखते हैं। हाँ गोरे तो माफ़ी नहीं दे रहे, गोरे इस टाइम पूरे पाकिस्तानी बने हुए हैं भाई, कोई माफ़ी नहीं। ओए आए मुस्लिम विलेज है ना, किसी भी चीज़ में से स्मेल नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह।
जबरदस्त। अच्छा जी, ब्रंच हमारा हो चुका है और अब हम आए हैं मुस्लिम विलेज की मार्केट। जबरदस्त किस्म की मार्केट है। मार्केट के साथ ही होटल वगैरह बने हुए हैं जहाँ हमने खाना शाना खाया है और ये एक ही पैकेज में सारा कुछ था। हमने आई थिंक 20,000 या 18,000 पाकिस्तानी दिया था सिंगल पर्सन ने, और पूरा का पूरा उसके अंदर ये टूर है जिसको कहते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। इसी के अंदर खाना शाना और अभी एक एक्टिविटी आगे है, जो मेन एक्टिविटी है वो आगे है, अब वो आनी है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ से कुछ देखते हैं, शायद कुछ पसंद आ ही जाए। और रगड़चा कर रहे हो, अभी तो आधा दिन हुआ, जब तक मैंने होटल पहुँचना है पूरा काला तू हो जाऊँगा। चलो जी, चलो चलो चलो, एवरीवन इज वेटिंग। आए साडा कैप्टन चेक करो, क्या बात है कैप्टन, साडा से पूरा ही बिल्डर है बाबा जी, पता नहीं कमजोरी है कि बिल्डर है। अच्छा जी, खैर यहाँ की जो स्टोरी है वो अभी अभी मुझे पता लगी है कि 500 साल पहले कुछ लोग जो थे ना वो मलेशिया से यहाँ आए थे, ये मछेरे वगैरह थे, वो फिशिंग करते थे, तो ऐसा जालिम किस्म का अल्लाह की तरफ से तूफान आया कि वो लोग यहीं के होके रह गए। फिर उनकी नस्ल दर नस्ल चलता 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 काम आज तक चल रहा है और ये मुस्लिम विलेज के नाम से जाना जाता है, टूरिज्म आता है और इनका काम शाम चल रहा है। खैर अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ और आई थिंक जो आज का मेन स्पॉट है वो अब आने वाला है। लो जी, जाते जाते लास्ट टाइम मुस्लिम विलेज देख लो, वो सारा जो है ना विलेज टाइप है इनका, ये इनका काम धंधा है, खाना पीना मार्केट सारी, और ये सारा जेम्स बॉन्ड आइलैंड के अंदर ही आता है। अभी निकलते हैं अगले स्पॉट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाय आए आए थाईलैंड। ये है जी हमारा जो आज का मेन काम है, कयाकिंग। ये देखो जी, मजेदार लग रहा है, आइलैंड चेक करो जबरदस्त। और कितने जाता ही, ये देखो बस, पता नहीं अभी यहाँ पर उतारेगा या आगे कहीं जाके उतारेगा, क्योंकि उतरने का स्पॉट तो कोई नजर नहीं आ रहा। ले अभी तू आ गया पहले, आ गई। अच्छा जी, पूरी बोट में से सबसे पहले मैं और अबरार ही आए हैं कि डिगिए, तो पहले असली डिगिए बात चो टर्न अराउंड। बड़ी गर्म है, ऐ तो बड़ी गर्म है ब्रो। आ जाइए इस तरह, आपने चिल बैठना ठीक है, और ये आपको अभी जो है ना लहरों में भी लेके जाएगा, थोड़ा सा आपका तरा भी निकालेगा, ठीक है ना, देखते हैं क्या करता है। ओए होए 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 होए, क्या बात है ब्रदर, मनु उधर लेके जाओ, उधर उधर सामने चेक कर, कैसा डरावना लग रहा है ब्रो, पूरा पूरा डरावना लग रहा है ये। ओए होए होए होए, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? कफर। यप, अरेबिक नेम? अरेबिक नेम, या यू आर सो हैंडसम मैन। दिखा ही सकता हूँ मैं, जो पीस जो सुकून है ना मैं वो बता नहीं सकता, लेवल लेवल कसम से, चेक करो फिर मेरे नाल करके लड़ाई ना करो। ओ आ तेरा यार बिल्लो, ओ आ तेरा यार। कैसा लग रहा है ब्रो? अबे बैठ, बैठे रहो, बैठे रहो, साथ सुकून और सुकून इस जगह पे लेवल, मतलब के मजा आ गया। चेक कर, ऐसे नहीं लग रहा दांत बने में किसी जानवर के बड़े वाले। ये देख, चेक कर, इज लाइक जेम्स बॉन्ड कॉपी, लाइक जेम्स बॉन्ड कॉपी, इट्स चाइना कॉपी, बिग लाइक जेम्स बॉन्ड, या बिग लाइक जेम्स बॉन्ड। जेलीफिश, दिखाओ। ओए कितने की कहां गई है? वे ये जेलीफिश, निकाल। अच्छा ये चप्पू से बाहर निकाल, चप्पू चाल, उर्दू समझ आती हुए। दिस इज जेलीफिश ब्रो, क्या बात है। ये मुंह है इसका, ये इसका मुंह है। ये किधर लेके जा रहा है, और ये किधर लेके जा रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस केव? अब मैनू ना ले जा तू केव चो, तेरा भला हो जे। या अल्लाह पाक है। ओए यार ये ड्रामा ब्रो, दिस इज हॉरर। A few moments later. शुक्र है बाबा जी, बाहर आ गए वहां से।
अंदर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मेरे फोन का फ्लैश भी डिसेबल हो गया था। अच्छा खैर, अभी कह रहा है कि अ बिग केव एक और शेफ यार, मैं तो डर डर के मर जाना। अ बिग केव वो देख रहे हो यहाँ से, आई थिंक अब ये लेके जाएगा हमें यहाँ से, ए यहाँ से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अभी ये हमें लेके जाएगा आई थिंक यहाँ से। इन्हें सिर पड़वा देना मेरा, इन्हें मेरा सिर पड़वा देना जी, इन्हें मैंने सेट लवानी है। यस यस यस, ओके ओके ओके, मूव बैक यार लेट जा। या श्योर, ओ तेरी या बैक ड्रिंक दैट शी ऑन द रॉन्ग लाइन श्योर। ले बैक ले बैक ले बैक, ले डाउन ले डाउन। ए भूख भी कैसी चीज है रब्बा, मोबाइल थल्ले करन नहीं देंदी, जान जांदी एते जावे व्लॉग बंद करन नहीं देंदी। चेक करो यार, चेक करो, अनरियल ब्रो। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी पूरा का पूरा गोल दायरा और उसके अंदर केव सा बनाया हुआ उन्होंने, प्यारा है। एंट्री जो है ना वो थोड़ी सी डरावनी है, आगे आके जो है ना वो मजेदार हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई लव इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लो जी हमारी ये वाली राइड, हाँ पाकिस्तान, हाँ व्हेनेवर यू कम टू पाकिस्तान बी माय गेस्ट, ओके माय ड्रीम, बी माय गेस्ट, हाँ व्हेनेवर यू कम टू पाकिस्तान। लो जी ओके ओके ओके, ये हमारी जो है राइड कंप्लीट हो गई है। ओके ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अभी हमारा एक लास्ट स्पॉट जो है वो रह गया, जहाँ पर आई थिंक जेट स्की भी है और आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं और खाने पीने का सामान भी होगा। खैर भूख तो नहीं है, लेकिन लास्ट स्पॉट है वो भी देखना है, क्योंकि हम अकेले जा नहीं सकते। देख लो कितना समुंदर है, तो जाना तो इनके साथ ही है। लास्ट स्पॉट करके फिर जाएंगे अपने होटल वापस, और होटल में क्या सरप्राइज है एक आपके लिए जो मैंने छुपा कर रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था पिछले दो तीन दिन से, आया वहाँ उस दिन से वर्किंग कर रहा था, वो भी आपको जाकर दिखाएंगे और अभी आपको लास्ट स्पॉट भी दिखाते हैं जाके। ये है जी लास्ट स्पॉट हमारा, चेक करो। इसके लिए टावल हमने साथ रखा था, आइलैंड बना हुआ है, आइलैंड में आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, जेट स्की है, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ पे आप स्विम भी कर सकते हैं। फिलहाल ट्राउजर फिर गिल्ला करना पड़ा, 1 2 3 चलो चलते हैं, देखते हैं जेट स्की करनी है या नहीं करनी। मेरा तो दिल कर रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जुल्करनान का यहीं पे जेट स्की पे एक्सीडेंट हुआ था, जब जेट स्की तबाह कर दी थी इसने। और ये जो है ना, ये बहुत फिल्में होती हैं, हल्की सी स्क्रैच आ जाए ना तो ये कहते हैं लाओ 15,000 बात 20,000 बात, ठगते हैं ये ना टूरिस्ट को, हल्का हल्का पता नहीं। तो देखते हैं जेट स्की लेनी है या नहीं। हाँ नहाऊंगा ज़रूर भाई, मैं नहाना मैंने ज़रूर है, तो गर्मी शदीद लग रही है मुझे। और रंग काला हो गया नी रांझणा तेरे धुप दी मारी। चलो भाई तुम यहाँ वेट करो, हम जरा नहा के आते हैं ब्रो। ओके जी, तो नहा लिया है, स्विमिंग कर ली, नीचे आपके भाई को आती है। अब एक गलती मुझसे हो गई, गलती ये हुई मुझसे कि मैंने पहले जो है वो जाके स्विमिंग कर ली, ठीक है। अब मैं जेट स्की नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगर मैंने जेट स्की कर ली, जेट स्की तो मैं करने को कर सकता हूँ, हमारी मर्जी है, वो तो कहते हैं कि करो, उनको तो पैसे चाहिए। लेकिन मुझे अभी जुल्करनैन ने कमल ने बताया और मेरा खुद का भी दिमाग अब चला है कि अब अगर मैं जेट स्की करूँगा तो मैं बिल्कुल काला स्याह हो जाऊँगा, जो कि मैं नहीं होना चाहता, जितना हो गया हूँ ऑलरेडी वही काफ़ी है। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बहुत ही प्यारी हवा है, सुकून लेते हैं, जैसे ही हमारा शिप वाला कॉल करेगा हम निकलेंगे और अब होटल जाएंगे। बस हो गई यार, सुबह से निकले हुए, एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा काम जो है ना वो नहीं सही रहते, एक या दो एक्टिविटीज़ हों तो बंदा सही से करता, 4-5 एक्टिविटीज़ ही ना, खुश हो गया हूँ मैं अब। चलो जी, इट्स टाइम टू गो बैक टू द होटल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आए अंडू डॉल इस तरह हमारी सेवा कर रहा जैसे बंदा ससुराल नहीं आया था, है पता नहीं है कि ये, चलो दे दियो खैर, दुआना भी दे दियो नाल, बिस्मिल्लाह रहमान, ओहो थैंक यू थैंक यू। ओके जी, फाइनली हम वापस आ चुके हैं और मुझे पहली बार खुशी हो रही है वापस आके, क्योंकि सुबह से समुंदर देख देख के ना जेन्युइन बात है मेरी बस हो गई थी। अभी चलते हैं होटल वापस, हल्का सा शावर लेंगे, शावर लेके आपकी भाभी को वीडियो कॉल भी करनी है, आई नो वो वेट कर रही होगी, ये खुद ही करेंगे। और अगर मैंने ना की ना उसने मैसेज कर देना आज वीडियो कॉल नहीं करनी,
वीडियो कॉल करते हैं और आपको जो सरप्राइज दिखाना है वो दिखाते हैं और उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। सरप्राइज नहीं यार, मतलब एक चीज है, दिखाता हूँ आपको जाके उठर में। ओके जी, तो लौट के बुद्धू होटल को आए। चलो जी। उरी बाबा लगता है नैनी आई थी। नैनी आके कमरा पूरा चमका गई है ब्रो, क्या ही बात है। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि सरप्राइज क्या है, एक अलग चीज क्या है, वो है ये बैग देख रहे हो। अगर आपको याद हो तो हम सिर्फ वो सिंगल बैग और एक जो हमने हैंड कैरी लिया था, जो हमने अपने शोल्डर पे लटकाया हुआ था, वो लेके आए थे। ये बैग मैं जिस दिन आया था उस दिन मैंने खरीदा था और ये बैग फुल ऑफ गिफ्ट है। ये देखो, ये बैग खाली नहीं है, फुल ऑफ गिफ्ट है। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है भाईजन जब मैं अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई चीज लेके जाता हूँ ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस किस के लिए लेके जा रहा हूँ, फिलहाल फुल ऑफ गिफ्ट है। डेली रात को व्लॉग एंड करके मैं जाके दो दो तीन तीन चीजें लेके आता था और इस बैग को हमने फुल किया है। अभी भी दो तीन चीजें रह गई हैं, मैं बस शावर लूंगा और बाहर निकलूंगा और जो दो तीन चीजें रह गई हैं वो लेके आऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि कल वाला व्लॉग है ना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, कमल जुल्कर नैन के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैंने कुछ ना चेंज किया है, कुछ मैंने पंगा लिया है, मैं आपको सुबह ही वो बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम आपकी भाभी को वीडियो कॉल कर लेते हैं ताकि हम व्लॉग को एंड कर सके और जाके कुछ खा पी सके, भूख लगी है और जो चीजें रह गई हैं वो भी लेके आ सके। कॉल कर लेते हैं जी अपनी बेगम को, अगर वो उठी हो तो क्या बात है, बेल तो जा रही है, उठी होंगी यार, ऐसी क्या बात होगी, 6 बज रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर आई थिंक 4 या 4:30 हो रहे होंगे। कॉल तो जा रही है, अगर उठा लें तो। फोन चुको जी, फोन चुको नहीं चुक रहे जी, फोन नहीं चुक रहे, मसरूफ हो सकती कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कर रही होगी या फिर BTS देख रही होगी, ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा। फोन नहीं उठा रही ईमान, फोन चुको ईमान इज नॉट चुकिंग आवर कॉल। अच्छा जी, आपकी भाभी की कॉल तो नहीं आई, अब ऐसा कॉल बैक आ गई कट गई, ये क्या, हम कर लेते हैं कोई बात नहीं जा रही है, व्हाट्सएप तो मिस कॉल मार रही है मनु, कैसी बेगम है मेरी, व्हाट्सएप तो मिस कॉल मार रही है, हद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तुम व्हाट्सएप पे मिस कॉल मार रही हो, पागल हो गई हो? अच्छा नहीं, डील कर रहा है मेरा। व्हाट्सएप पे मिस कॉल कौन मारता है, मिस कॉल मारी तुमने? नहीं वो कट गई, पता है। ओके, क्या हाल है, तबीयत ठीक है, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है यहाँ पे, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करो कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ? नहीं थोड़े टैन लग रही मुझे पहले से। यार ना क्या यार, मनु आप अपना बहुत काला काला फील हो रहे, सुबह से निकले हुए थे दो तीन वो थे बीचेस से, आइलैंड था सारा, फिर के फिर जारी बात है धूप में, फिर नहाए भी तो वो जरा थोड़ा सा टैन हो गया, थोड़ा सा ही हुआ कि ज्यादा हो गया? नहीं अभी कैमरा में तो लग रहा है, अब रियल में देखूंगी तो फिर बताऊंगी। यार तुम्हें लग रहा है ना तो तुम उन्होंने दस, खैर कोई गल नहीं, चुप करके बर्दाश्त कर ला, कोई गल नहीं, दस ना मनु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ज्यादा टैन नहीं हुआ यार, थोड़ा सा ही हुआ, बटन का बाल काला हो तो मार दियो, लाल हो जाता हूँ, काला नहीं होता। अच्छा, और हाँ मैं अभी नहाया भी हूँ ना, मैं अभी आया हूँ, आते ही मैंने तुम्हें कॉल कर लिया, अब नहाऊंगा और बाहर जाऊंगा, एक दो काम है वो करके आऊंगा, मैंने सोचा पहले कॉल कर लूँ क्योंकि हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल करेंगे, मैंने स्पेशल यहाँ पर इंटरनेट लगवाया, यहाँ पर फुकट के अंदर इंटरनेट नहीं है, स्पेशल इंटरनेट लगवाया मैंने गवर्नमेंट से, क्या किया, पता चल गया मुझे क्या पता चल गया तुम्हें, इंटरनेट आप जो कह रहे थे ना, अच्छा तुम्हें भी पता लगा, घर पे सब ठीक है, अम्मा ठीक है, हाँ जी, ठीक है, है। किधर तैयार श्यार होके खैर कहीं जा रहे हो? हाँ भी जाना है, मैंने शॉपिंग पे जाना है और अम्मा की तरफ भी चक्कर लगाना है। आए आए आए, मजा लगी यार, क्या बात है, फन, ठीक है, ओके, ख्याल रखो, ठीक है। और आप कहाँ थे? अभी मेरे है 4-5-6-7-8 दिन है, अभी आराम से आऊंगा मैं, 4-5-6 नहीं है, 2 दिन है, कल, हाँ, आज 16 है, कल 17 को आपकी फ्लाइट नहीं थी? और नहीं, मैंने थोड़ी सी एक्सटेंड करवा ली, आगे की है मेरी फ्लाइट, अब एक्सटेंड करवा ली है मैंने, 22 या 23 को आऊंगा मैं आराम से। और साढ़े प्यो दी एयरलाइन है, जो मर्जी कर ली, टेंशन ना ले आकर तू, अल्लाह दीन दे चिरागा सी, नहीं आप जल्दी आ जाए, अम्मा भी मिस कर रही है और मैं भी, ओके बाय बाय, और करते हैं कुछ, सोचते हैं, लगाते हैं हिसाब, अच्छी बात है, लगा लेना चाहिए। हाँ मैं तुम्हें घर की वीडियो भेजता हूँ, मुझे एक दो वीडियो आई है,
क्या कमाल लग रहा है, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। फर्नीचर वाले का मैंने साथ लगा लिया, आके उसको भी मिलना, और तुम मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मैं जा रहा हूँ भाई, टेक केयर, तुम भी पहुंचो। भाई मैंने बाहर जाना है, मार्केट जाना, कुछ काम है मुझे, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, नाश्ता किया सुबह से, बस खाना खाना मैंने। एंजॉय करें, अच्छा वाला एंजॉय करें, ओके। अच्छा वाला एंजॉय कर रहे हैं हम, अच्छा वाला, अच्छा वाला। ये वो वाला अच्छा ना वाला ना करें। यू डोंट ट्रस्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट मी। मैंने ये तो कहा ही नहीं। तो फिर तूने फिर ये क्यों कहा कि वो वाला एंजॉय ना करें? वो आपने कहा बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूं। मेरा बहुत अच्छा यही है, बीचेस, माउंटेन्स, पानी, फिर नई नई जगह एक्सप्लोर करना, मेरा अच्छा वाला यही है। ये तो मुझे पता है, तो बस ठीक है ना। हाँ चलो, सबको सलाम देना, ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप भी ख्याल रखो, बाय बाय बाय। लो जी ये काम भी हो गया, अरे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसके अंदर क्या सामान है, वही हाँ एक और जरूरी बात कि इसको तो मैंने कह दिया कि टिकट मैंने एक्सटेंड करवा दी है, मैंने एक सीन लगाया कल वाले व्लॉग में, आपको पता लगेगा, वड्डा ही सीन, वड्डा ही सरप्राइज, इस सरप्राइज के अलावा भी एक सरप्राइज, ठीक है ना, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह उसी व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।